नमस्कार, झार आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे जब हम औषधि लगाते हैं या फिर ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं, किसी भी प्रकार का, जितने भी पैथी होते हैं, एलोपैथी हो गया, आयुर्वेद हो गया, हर एक प्रकार की पैथी। हमने देखा है काफी बार कि जब कोई ट्रीटमेंट कोई लेता है, किसी का प्लास्टर फ्रैक्चर या फिर प्लेट्स वगैरह लगा होता है, जो भी चीज है, उसके बाद उसको यूज करने के बाद वो जब उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उसके बाद कभी कभी हमने देखा है कि किसी किसी को 10 दिन में रिजल्ट दिख जाता है, किसी किसी को महीना भर में हो जाता है, किसी को 3 महीना 4 महीना साल भर तक लग जाता है, रिजल्ट नहीं दिखता है। आज का हमारा जो विषय होगा, हम ये जानेंगे कि जब प्राकृतिक औषधि का सेवन कोई मरीज करता है, उसके बाद से कितने दिन लगभग लग जाते हैं उस मरीज को ये जानने में कि जो औषधि है उनके शरीर पर वो असर कर रही है, उनके हड्डी पर वो असर करना शुरू कर गई है। बिल्कुल, देखो अगर आप ये मान करके चलो, अगर आपका जो हड्डी है उसमें अगर किसी तरीके का आपका रोड प्लेट्स अगर नहीं लगाया गया है, तो ये मान करके चलो नॉर्मली 7 से 10 दिन, ऐसे तो दो दिन 4 दिन में भी समझ में आ जाता है, लेकिन मान करके चलो 7 से 10 दिन अगर किसी तरीके का अगर रोड प्लेट्स नहीं लगाया गया है, तो मैक्सिमम 10 दिन में आपको जरूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। जो हड्डी है वहां पे आपको मजबूती या फिर स्ट्रेंथ आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। जी, पर कभी कभी हमने ये भी देखा है कि अगर उनके शरीर पर कोई रॉड प्लेट कुछ भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये भी होता है कि अगर उसको समय ज्यादा हो गया है, उस कंडीशन में जो रिजल्ट है वो भी आने में लेट हो सकता है। बिल्कुल, रिजल्ट आने में लेट हो सकता है, जैसे 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना भी लगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो फर्क है, मेडिसिन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे शरीर में काम कर रही है, ये सूट कर गई है, मेरे शरीर में जो हड्डी है इसको जोड़ने का काम शुरू कर दिए, ये कहीं ना कहीं आपको 10 दिन तक में आपको फील जरूर से हो जाता है। कभी कभार हमें इस चीज का भी कॉल आता है कि सर हमने सुबह को दवाई लगाया है और शाम को वो कॉल किया, बोलता है सर अभी तक मुझे कुछ फर्क नहीं समझ आया, तो क्या ये भी जरूरी है कि सुबह को आपने लगाया शाम को फर्क मालूम चल जाएगा? बिल्कुल, ये तो एकदम ही जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में, ये जो भी हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना, जिसमें रोड प्लेट्स नहीं है, इस कंडीशन का बात कर रहे हैं, इसमें सुबह में लगा लिए शाम तक भी समझ में आ जाता है, ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर किसी का साथ ही ऐसा हो, ऐसे एक्सपेक्टेशन रखना मतलब थोड़ा सा गलत है। आप उम्मीद कर सकते हो अगर आपका जो हड्डी है वहां पे रोड प्लेट्स अगर कुछ भी नहीं लगाया गया, अगर पूरा खुला है, तो आप मान करके चलो मैक्सिमम 10 दिन, 10 दिन में आपको जरूर से आपको वहां पे महसूस होने लगेगा जो हड्डी है वो आपकी जो है मजबूत होने जा रही है। लेकिन वो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि वो बहुत ज्यादा समय उस पर नहीं पास हुआ होना चाहिए, वो अगर ताजा कंडीशन में तो ही आपको 7 से 10 दिन में मिलने के चांस है। अगर कुछ दिन हो गए या फिर कुछ महीना उस पर हो गए, उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल है कि बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिले। हो सकता है किसी किसी का शरीर ऐसा होता है कि उनमें कैलस फॉर्मेशन की संभावना बहुत ज्यादा होती है, उस केस में ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, और देखो और एक चीज है, जैसे केलस को लेकर के जो बात हुआ, मान करके चलो आपका जो हड्डी है वहां पे रोड प्लेट जैसे नहीं लगाए गए हैं ना, तो क्या होता है, मान लो केलस फॉर्मेशन उस मात्रा में नहीं भी हो पाता है, तो मेडिसिन क्या करता है ना, जो हड्डी है उसको खींच करके सटा देता है और उसको मजबूती बहुत बढ़िया से कर देता है, जिसके वजह से ना आपको जो है कि रिजल्ट है बहुत जल्दी से देखने को मिल जाता है। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे अगर उसमें रॉड लगा हुआ है, प्लेट लगा हुआ है, उस कंडीशन में कभी कभी होता है कि जैसे रिजल्ट जो है वो काम करता होता है पर पता नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आप कहीं ना कहीं अगर मान करके चलो आपका जो हड्डी वहां पे रोड लगाया गया है, उसके बाद आप मेडिसिन को इस्तेमाल कर ले तो आपका जो हड्डी है वो केलस भी बना रहा होता है या फिर जो ग्रो भी कर रहा होता है आपका हड्डी, लेकिन आपको डायरेक्ट रूप से समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो रोड है ना वो कहीं ना कहीं आपको पूरा एक सपोर्ट दिया हुआ है, तो इस वजह से डायरेक्ट समझ पाना किसी किसी कंडीशन में मुश्किल होता है, लेकिन मान करके चलो जो आपका हड्डी है ना वो सटा हुआ है, तो इस कंडीशन में ज्यादातर समय समझ में आ जाता है, क्योंकि जो हड्डी है ना वो मजबूत होती चली जाती है, तो जिसके कारण जो पैर या फिर जो भी आपका हाथ होता है ना, वो जो भार उठाने का क्षमता जो होता है उसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप इसको सीधे तौर पे समझ सकते हो कि जो मेरा हड्डी है वो मजबूत हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है। एक चीज और हमने देखा है कि किसी भी प्लेट्स अगर उसमें लगा हुआ है मरीज में, और उसके बाद अगर उसमें बहुत ज्यादा स्क्रू लगे हुए हैं, उस कंडीशन में भी रिजल्ट आने में देरी होती है, उस कंडीशन में भी उनको समझ नहीं आता बहुत जल्दी कि उनके शरीर में चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। बिल्कुल, अगर इस तरीके का आपका कंडीशन है, मान करके चलो आपका रोड बहुत अच्छे से लगा हुआ है, गेप है, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं गैप रहता है, इसके बावजूद वो नॉर्मली चल लेते हैं, कहीं ना कहीं वो जो रोड है उसका सहारा वो चल ले रहे हैं जी। लेकिन इस कंडीशन में आप एक काम कर सकते हो, नॉर्मली 15 से 20 दिन में हम लोग ये चीज करवाते हैं, अगर प्राकृतिक औषधि का कोई इस्तेमाल करता है तो 15 से 20 दिन में एक बार उसको एक्सरे करवा देते हैं, जिससे वो सीधे तौर पर देख करके समझ में आ जाता है कि जो मेरा हड्डी है ये ग्रो कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और कभी कभी अगर केस थोड़ा सा पुराना हो जाता है, कुछ महीना ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग 1 महीना भी लगा देते हैं उनको एक्सरे करवाने में। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।